हाय दोस्तों, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ जैन डोसे का, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं कच्चे केले के डोसा बनाऊंगी, तो उसमें सूजी भी काम आएगी। तो इसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है। सूजी डाल देंगे और इसमें मैं दही डालूंगी। ये मेरा दही फ्रेश है, मतलब खट्टा नहीं है ये, तो मैं 1/4 कप डाल रही हूँ। इसमें नमक डाल देंगे, आधी चम्मच नमक डाल देंगे और पानी डालते हुए हम बैटर तैयार करेंगे। ये मैंने बैटर बना लिया है, अब इसे आधा घंटा भीगने के लिए रख देंगे ताकि सूजी फूल जाएगी। ये मैंने डोसा बनाने के लिए 3 कच्चे केले लिए हैं, इन्हें कुकर में उबाल लेंगे, 2 सीटी में उबल के तैयार हो जाते हैं। ये मैंने केले उबाल लिए, इनके छिलके हटा लिए हैं, अभी इन्हें मैं मैश करूंगी। ये मैंने केले को मैश कर लिया है, अब मैं कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डालूंगी। इसे गर्म होने देंगे। आप ऑयल ज्यादा भी डाल सकते हो और इतना सा भी डाल सकते हो। तेल गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, आप गैस सिम कर देंगे और इसमें 1/4 चम्मच राई डालेंगे। 1/4 चम्मच ही जीरा डाल देंगे। मैंने एक हरी मिर्ची ली है, इसे डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे एक बार। ये मैंने करी पत्ते लिए 15 से 20, ये मेरे छोटे थे तो मैंने काटे नहीं, अगर बड़े हो तो आप बारीक काट ले, इन्हें भी डाल देंगे। वन फोर चम्मच में लाल मिर्ची डाल दूंगी, 3 हल्दी, 1/4 चम्मच सौंफ, आधी चम्मच नमक डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और जो हमने केले को मैश किया था इन्हें भी डाल देंगे। और मिक्स कर लेंगे। ये सभी चीज अच्छे से मिक्स कर लिए, ये हमारा मसाला बन गया है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब इसे मैं लोहे के तवे पे बना रही हूँ, आप नॉन स्टिक पे भी बना सकते हो और लोहे के तवे पे भी बना सकते हो। बैटर को एक बार मिक्स कर लेंगे, इस तरह से हमारा बैटर रहना चाहिए। अगर थोड़ा पतला भी रह जाए तो भी चलेगा, थोड़ा गाढ़ा रह जाए वो भी चलेगा। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो इस पे घी ऑयल जो भी आप ग्रीस करना चाहो वो कर ले और अच्छे तरह से हम पोंछ लेंगे। वापस एक बार लगा लेंगे। गैस सिम कर दूंगी मैं इस समय और अब मैं बैटर डालूंगी। तीन चम्मच करीबन डालना है मैंने, अब इसे हम फैलाएंगे पलटे की सहायता से, इस तरह से घुमाते हुए। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल लेंगे। इसे आप सिकने देंगे, चारों तरफ घी लगाएंगे। घी में बनाएंगे तो काफी टेस्टी लगते हैं, बाकी ऑयल में भी बना सकते हो आप। और जो हम ये डोसा बना रहे हैं, जो आलू नहीं खाते उनके लिए तो ये अच्छे हैं ही, लेकिन जो आलू खाते हैं वो भी एक बार इस तरह से डोसा बनाएंगे केले के, तो वो हमेशा ही यही बना के खाएंगे। तो मेरी तरह आपसे यही राय है कि आप एक बार इस तरह के केले के डोसा बना के जरूर देखिए और खा के बताना मुझे कि कैसे बनते हैं। तब इसे नीचे से सिकने देंगे। अभी नीचे से हल्का सा सिक गया, गैस फुल कर देंगे। अभी तक मैंने सीमी गैस रख रखी थी, गैस आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे आपको सेकने में सुविधा हो तो सिम भी कर सकते हो, फुल भी कर सकते हो।
आप इसे थोड़ा पतला भी कर सकते हो, मोटा भी रख सकते हो। अब इसे नीचे से सिकने देंगे और ऊपर घी लगा लेंगे, क्योंकि टेस्टी लगते हैं इस तरह से बनाते हैं तो। और अगर आप नॉन स्टिक में बनाएंगे तो आपको घी, ऑयल, तेल किसी भी चीज को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे नीचे से सिकने देंगे। 2-3 मिनट करीबन हो गए हैं, अब इसे हम पलट लेंगे। गैस सिम कर देंगे और हम मसाला लगाएंगे। मसाला आप कम ज्यादा कर सकते हो। अब इसे फैला लेंगे। नीचे से हल्का सा सिकने देंगे, जितना करारा चाहिए आप उतना सेक सकते हो। अभी सिक गया, इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। ये हमारा कच्चे केले का और सूजी से डोसा बन के तैयार हो गए हैं। इस तरह से मैं सभी बना के तैयार कर लूंगी। इसमें 4 से 5 बन जाएंगे, तो इसे आप सांभर, नारियल की चटनी, केचप, हरी चटनी, जिससे भी आपको पसंद हो आप उससे खा सकते हैं। तो ये हमारे सूजी और केले के डोसा बनके तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू।